जी हाँ, औरंगजेब का जिक्र बार बार हो रहा है। औरंगजेब का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, उसकी करतूतें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। औरंगजेब हीरो या विलेन, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा अपने तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ इतिहासकार मौजूद होंगे, लेखक मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद होंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। जी हां, 16 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक औरंगजेब की एंट्री क्यों हो गई? औरंगजेब जिंदा क्यों हो गया? औरंगजेब को राजनीतिक जीवन दान देने की जिद आखिर क्यों है? इतिहास के इस अत्याचारी शासक पर अब विवाद क्यों छिड़ा है? ये कुछ अहम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही औरंगजेब के नाम पर ये जो हिंसा हुई है वो संयोग है या फिर प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है? आखिर 16वीं सदी का औरंगजेब 21वीं सदी में राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि औरंगजेब पर ये जो लड़ाई है, क्यों उसे सियासत से भड़काई जा रही है? जी हाँ, तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। हम आज ये भी समझेंगे कि औरंगजेब क्या अब इतिहास से ज्यादा कुछ लोगों के लिए राजनीति का विषय बन चुका है, सबब बन चुका है? क्योंकि सवाल आज ये भी है कि औरंगजेब आखिर हीरो था या वो विलेन है? इस सवाल पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोग उसका महिमा मंडन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ देश के बड़े इतिहासकार और जानकार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि औरंगजेब हीरो या विलेन। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब को कैसे देखा है, उनका नजरिया क्या है। एम ए खान की किताब का जिक्र जरूरी है, इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी का हमने अध्ययन किया। इस किताब में एम ए खान ने मुगलों के शासन पर भी कई अध्याय लिखे हैं। एम ए खान ने अपनी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। मसीर आलमगीर में दर्ज रिकॉर्ड में बताया गया है कि औरंगजेब ने 50 साल के अपने कार्यकाल में हजारों मंदिर तुड़वाए। सिर्फ 1679 में 200 मंदिर तुड़वाए गए। औरंगजेब पर मंदिरों को तोड़ने का जुनून सा सवार था। धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को वो बड़े पद देता था, यानी ये कह दिया जाता था कि बड़े पद पर अगर आपको काबिज होना है तो आपका उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर दिया जाता था। धर्मांतरण से डेमोग्राफी पर गहरा असर पड़ा। 15 दिसंबर 1666 को बड़े पदों से हिंदुओं को हटाने का आदेश दिया गया। बड़े पदों तक पहुंचने के लिए इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी गई। हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर सामने आते हैं औरंगजेब के। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज औरंगजेब को लेकर जो तथ्य हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा समीर ने आपको बताया कि हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था, और अगर मना किया गया, मना करने पर जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, किताब में मनोहरपुर के जमींदार देवी चंद का भी जिक्र किया गया है, जिनकी जमींदारी छीन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। मुसलमान हिंदू व्यापारी से कर्ज लेकर नहीं चुकाते थे तो उल्टे हिंदू व्यापारी पर इस्लाम का अपमान का केस करते थे। साल 1685 की बात आपको बताते हैं, जब औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने पर पैसे देने का भी आदेश दिया, प्रलोभन दिया गया। प्रत्येक हिंदू पुरुष को 4 रुपए और हिंदू महिला को 2 रुपए राजकोष से देने का आदेश जारी किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मांतरण पर जाजिया और खिराज जैसे टैक्स भी माफ किए जाते थे अगर आप हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं तो। कश्मीर में रहने वाले पंडितों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी करवाया गया था। तो किस तरह का शासन था औरंगजेब का, इसकी एक हल्की सी झलक हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए। औरंगजेब की अत्याचार वाली कुंडली हम आपके सामने रख रहे हैं। औरंगजेब ने अपने सूबेदारों को हजारों मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। सूबेदार हसन अली खान ने बताया कि मेरे इलाके में 172 मंदिर तोड़े गए। चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़े जाने का जिक्र है। अबू तरब को आमेर में मंदिरों को तोड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। अबू तरब ने बताया कि मेरे इलाके में 66 मंदिर तोड़े गए। इन सब का जिक्र है इतिहास की किताबों में। रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री, फ्रांस्वा गौतिये की ये जो किताब है इतिहास की, उसका जिक्र करते हुए हमने ये जानकारियां आपके सामने रखी हैं।